इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के अंधेरी पश्चिम जिस इलाके में हम खड़े हैं, यह इलाका किसी से छूटा नहीं है। यह वह इलाका है जहां पर सपने सजोए तमाम लोग दूर दराज से आते हैं बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाने। लेकिन उस बॉलीवुड की सच्चाई क्या है, उसके अंदर की खबर क्या है, उसके अंदर की राजनीति क्या है, वह तमाम चीजों का खुलासा हम आज अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर परत दर परत करेंगे। जानकारी के तौर पर हम बताना चाहते हैं तमाम दर्शकों को कि सिंटा हाउस जो जाना जाता है, काफी प्रख्यात है, अंधेरी पश्चिम में है, कोकिला बेन अस्पताल से सटा हुआ, कुछ फरलांग की दूरी पर स्थित है। लेकिन जिस प्रकार से उसका निर्माण किया जा रहा है वह कछुए की चाल से हो रहा है, काफी सुस्त गति है उसकी। और दूसरी तरफ जो वरिष्ठ कलाकार जो दिन रात कड़े संघर्ष और अथक प्रयास कर अपना खून पसीना बहाकर किसी फिल्म को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं, आज उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आरिफ शेख के नेतृत्व में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा विरोध प्रदर्शन आजाद मैदान में हुआ होता तो शायद राजनीतिक हलकों के चूल्हे हिल गए होते। लेकिन पिछले कई दिनों से आरिफ शेख के नेतृत्व में हजारों की तादाद में सीनियर कलाकारों का जमावड़ा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सिंटा के उच्च पदस्थ पर बैठे वह तमाम अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर आरिफ शेख है, सबसे पहले उनके पास जाएंगे। आरिफ, हमें बताएंगे आप कई दिनों से आपने अनशन किया, तबियत खराब हुई, हालात बिगड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, कूपर अस्पताल ले जाया गया आपको, आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ नहीं निकला, और वो शायद मेरे ख्याल से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो इसकी तबीयत तो ज़रूर ख़राब होगी, तो वो शायद इंतज़ार कर रहे थे तबीयत ख़राब होने का, ना कि मुद्दों को सुलझाने की। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि मुद्दों पर कोई बात होगी या कुछ मीटिंग होगी या मीटिंग करें, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद समय के गुजरने के साथ उसकी हेल्थ का प्रेशर उसके ऊपर होगा, पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर होगा, तो वो उन वजहों से उठेगा, ना कि मुद्दों को सॉल्व होने की वजह से। खास करके आपसे जानना चाहेंगे, जिन जिन मांगों को लेकर आपने अनशन का रास्ता अख्तियार किया था, वो तमाम मांगों की एक फहरिस्त है, वो आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल मांगे हैं, जो हम लोग छोटे छोटे काम करके हमारे जो साथी कलाकार सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी हालतें इतनी खराब हो गई हैं, जेब में एक पैसा नहीं होता उनके, पेमेंट उनकी 90 दिन तो ऑन पेपर है कहने के लिए, वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि 11 महीने हो जाते हैं, और जब शूटिंग पर जाता है वो कलाकार तो उसको एक पैसा कन्वेंस के रूप में नहीं मिलता है, उसको अपनी जेब का पैसा लगाकर शूटिंग स्थल पर पहुँचना पड़ता है, मतलब जो जेब का पैसा है वो भी पहले वो खर्च कर चुका होता है, और शूटिंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे, 14 घंटे, जितना मतलब 12 घंटे तो ऑफिशियल कर दिया इन्होंने, आप 18 घंटे, 24 घंटे की भी खबरें यहाँ पर आती हैं कि लोग 24 घंटे शूट करा रहे हैं। ये सच्चाई है माया नगरी मुंबई की, ये सच्चाई है बॉलीवुड की, और खास करके मुंबई की चकाचौंध में खो जाने वाले वह कलाकार जो अपनी आभा, जो अपना हुनर बिखेरने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई में आते तो हैं, और कई जद्दोजहद के बाद भी, कड़े संघर्ष और मेहनत करने के बाद भी उनका मेहनताना उन्हें समय रहते नहीं दिया जाता है। शायद यही कारण है कि आरिफ शेख ने बड़े पैमाने पर अनशन का यह रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन सिंटा के उस पदाधिकारियों की यदि बात करें, और खास करके जानकारी के तौर पर हम तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, सिंटा एक अपने आप में बहुत बड़ा एसोसिएशन कहा जाता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जिससे बिग बी जो सदी के महानायक हैं वह जुड़े हैं, शाहरुख खान की बात की जाए वह जुड़े हैं, सलमान खान, बड़े बड़े जो अभिनेता हैं जिनके
अभिनय का लोहा माना जाता रहा है, ऐसे लोग इस सिंटा से जुड़े हैं। लेकिन बात की जाए सिंटा, तो मानो सिंटा के वह लोग आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं और इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। और हम परत दर परत लेमन न्यूज के माध्यम से इनका कार्यक्रम ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि इनकी आवाज उनके पास बार बार पहुंचाएंगे और तब तक पहुंचाएंगे जब तक कि वह अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। हमारे साथ यह कार्यक्रम हमने इससे पहले भी प्रसारित किया था जिसके बाद कई टेलीफोन कॉल्स हमारे दफ्तर में आए थे, कई एसएमएस लोगों के आए थे। एक तबका ऐसा भी था जो पॉजिटिव बातें कर रहा था, लेकिन एक तबका ऐसा भी था भले ही उसका औसत कम था लेकिन उनका यह कहना था कि जिस आरिफ शेख को दिखाया जा रहा है उस आरिफ शेख के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास ऑथेंटिक एविडेंस है तो आइए, यह खुला मंच है और आप उस मंच पर मंच को साझा कीजिए और अपनी बात सामने रखिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जनाब आपका नाम? मेरा नाम संजीव सिद्धार्थ है। आपसे एक बात जानना चाहते हैं सिद्धार्थ साहब, मीडिया उस हिसाब से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन भारतीय सिनेमा जगत ने अपने 100 साल पूरे किए और यह खबर सुर्खियों में रही राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल तक। वजह क्या है कि जिस फिल्म में चार चांद लगाने वाले वह कलाकार जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी मांगों को पहले किसी जमाने में पूरा तो किया जाता था, वजह क्या है और यह कब से चलन शुरू हुआ है जब उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है? देखिए फिल्मों में स्थितियां थोड़ी बेहतर हैं लेकिन यहां पर टेलीविजन सीरियल्स की जहां तक बात आती है तो पिछले 10-12 सालों से ऐसा हो रहा है कि पहले शुरुआत में आर्टिस्टों का जो कन्विंस था वो बंद कर दिया गया। उस दरमियान में शूटिंग मुंबई की सीमाओं के अंदर होती थी, आजकल अधिकतर शूटिंग जो है नायागांव, वसई, विरार जैसे एरिया में हो रही है, पनवेल में हो रही है, एनडी स्टूडियो में हो रही है, करजत में हो रही है। वहाँ पे आर्टिस्ट के पास आने जाने का जो साधन है वो लोकल ट्रेन है, रिक्शा है, टैक्सी है, लेकिन पैसे उसे देने हैं तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से उस वाहन से या पब्लिक वाहन से वहाँ तक पहुँचता है, अपनी जेब का पैसा प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में इन्वेस्ट करता है और उसका पैसा, उसका मेहताना दिए जाने का वादा उसे मिलता है 90 दिनों के बाद। 90 दिनों के बाद भी पैसा नहीं मिलता है ना। जो बड़े सितारे हैं, जिनका नाम है, जिनकी पहचानी और शख्सियतें हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की न खबर है और न उनके लिए ये समस्या है। मसला ये है कि उन तक ये बातें पहुँचने भी नहीं दी जा रही और जिन लोगों तक ये बातें पहुँची है उनके सामने ये कह दिया गया है कि आरिफ शेख साहब के ऊपर में गंभीर आरोप लगा। अगर ये बात कही जा रही है तो ये बात भी समझने की है कि एक आदमी जो 8 दिन तक अनशन में बैठा रहा उसे पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया तो क्या पुलिस अपराधी को प्रोटेक्शन देती है? क्या आपको रोकना चाहेंगे? आपने भी ये कहा कि बड़े बड़े जो सीने अभिनेता है उनको इस बात का इल्म भी नहीं है, उन तक जानकारी ही नहीं है, क्या कहा जाए इस बात को? इस बात को यही कहा जाए कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो इतने क्षमता संपन्न हैं कि अगर कोई खबर उन तक पहुंची भी होगी तो मेरा ऐसा अनुमान है कि उन लोगों ने उस खबर का दिशा घटनाक्रम मोड़ दिया गया। जैसे कुछ 2-4 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार कौन आदमी अनशन पे बैठा है, इसके खिलाफ तो क्रिमिनल रिपोर्ट है ना अब वो बागोनगर थाने में। फिर किसी ने कहा कि यार वो तो पहले भी ऐसा ऐसा करता रहा है। बात मुद्दों की नहीं हो रही कि किन मांगों को लेकर के आरिफ शेख अनशन पे बैठा है, बात ये ठहराने की हो रही है कि ये आदमी ऐसा है अनशन पे जो बैठा है वो अपराधी है, वो अभिनेता नहीं है, वो एक्टर के संप्रदाय का नहीं है। तो जो गलत सलत जानकारियां फैलाई गई उसकी वजह से बड़े सितारे लोग नहीं आए, उनकी इच्छा थी आने की। कुल मिला के राजा को खबर ही नहीं और मुसहर बन बांटने पर आमादा है, और खास करके वह लोग जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। कहते हैं किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले यदि उसका मेहनताना उसे मिल जाए तो उसे मजूरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। काफी अग्रेसिव भाव से हमारे सामने तमाम लोग खड़े हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गौतम सिंह है और मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि यशराज ने आज ट्वीट किया कि मेरी धूम 3 501,37,00,000 का बिजनेस किया है, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सबसे बड़ा बिजनेस है। पर यहाँ 501,37,00,000 में आज एक्टर को, हमारे चरित्र कलाकारों भाइयों को 500 रुपए भी नहीं मिल रहा। दिस इज वेरी शेमफुल, शर्म आनी चाहिए सर ऐसे चीजों में। इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानेंगे? सिंटा को जिम्मेदार मानेंगे और किसको मानेंगे? जो अधिकारी हमने जिनको वोट दे के बिठाया है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे, वो हमारे लिए आ नहीं रहे, तो सबसे जिम्मेदार वो है। बेहद गंभीर, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? ब्रजेश करणवाल।
ब्रजेश जी ये बताइए, इतने दिन से यह वापो मची हुई है लेकिन अब तक किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है, आने वाले दिनों में स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? नहीं, उनके कान पे जू तो रेंग रही है लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि इन पे और क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। जो सिंटा हाउस है वो सिंटा हाउस नहीं है, वो टॉर्चर हाउस बना दिया गया। वहाँ ये प्लानिंग होती है रोज कि और किस किस तरीके से इन पे अत्याचार किया जाए। हमने तो ये सोचा, जैसे कि हमारी आरिफ से भी कल बात हुई थी, आज हम लोगों की मीटिंग हुई है, हम इस लड़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसे अंजाम देकर ही रुकेंगे। हमने ठान लिया है जो ईमानदार लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो बेईमान लोग हैं उनकी तरफ के छोड़े हुए हमारे बारे में उल्टी सुलटी बातें कर रहे हैं, हमें उनसे इतना ही कहना है, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है आज आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है लेकिन कल जब अकल आएगी आप बिस्तर पे बैठ के मुंह छुपा के रोओगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं एक कहावत है, यदि किसी को मारना है तो उसकी आर्थिक व्यवस्था पर चोट कीजिए, जिसका असर साफ तौर पर उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि अब तमाम कलाकारों ने सिंटा हाउस को टॉर्चर हाउस का एक नाम दे दिया गया है, एक उपमा इन्होंने दे दी है जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है, और यह एक प्रकार से छिछवा लेदर भी कहा जा सकता है सिंटा के उन तमाम पदाधिकारियों के बारे में। हमारे साथ और भी एक व्यक्ति है जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कृष्णा बंसल है। सिंटा में जो अधिकारी बैठे पहले कभी स्ट्रगलर थे और भी भूखे पैसे फुटपाथ में घूमते थे, जैसे ही उनके पास दौलत शोहरत आ गई, कुर्सी मिल गई, वो तानाशाह हो चुके हैं। मैं एक शेर लिखा है, ये शेर लिखा है, फिर से आ गए हैं अंग्रेज सिंटा में कर गए प्रवेश, ये भारत देश है लोकतंत्र देश, इनको करना है चेंज, पेट का अत्याचार बढ़ता जा रहा, ए भूख तू तो मत सता, जालिम जवाना क्या कम सतारा, अगर हिम्मत है तो सच बोल के दिखा, ए सिंटा अगर तेरा जमीर नहीं बचा, अगर तू बिका हमसे मत करा, हमें और मत सता, हमारी कन्वेंस और टाइम से पेमेंट हमें दिला दिला दिला। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो इस तरह की बातें निकलनी लाजमी है, और खास करके यह दर्द है कलाकार का, यह करुणा है, और खास करके इनकी तमाम चीजों पर जिन लोगों ने भी उदासीन रवैया अख्तियार किया है उसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम चंदन श्रीवास्तव है, मैं भी कलाकार हूँ, सिंटा मेंबर हूँ। सिंटा सिर्फ चेक इन के लिए पहुँचती है, सिंटा ये नहीं देखती है कि एक वैनिटी में 8-8, 10-10 कलाकारों को ठूस दिया जाता है, सबको लाइन दिए जाते हैं और वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कभी कभी आदमी सुबह 7 की शिफ्ट में पहुंचता है, कोई सेट पे नाश्ता पानी के लिए भी नहीं पूछता है, बस बोलते हैं कि सर आइए, ये आपका स्क्रिप्ट है, आप रेडी है ना। मैं ये कहूँगा कि हम सिंटा यूनियन के मेम्बर हैं और सिंटा इस पर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि हम भी उसी परिवार उसी यूनियन के हिस्सा हैं। बस कुछ बड़े जो लोग हैं वो स्टार हैं, हम स्ट्रगलर हैं, हम भी कलाकार हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, शायद यही बात है कि लोग आक्रोशित भाव से खड़े हैं और उनका स्वर अब लगभग लगभग सिंटा के विरोध में फूटता नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी एक शख्सियत है, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव। संजय साहब एक बात बताएंगे, शुरुआती दौर में जो कन्विंस मिलता था, शुरुआती दौर में क्या चीजें थी, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए, और कब से ये बातें जो सामने आई है जिसके बाद यह विरोध का स्वर फूटना शुरू हुआ है? मैं अपनी बात चालू करने के पहले आपसे दो जो बातें आपने पूछी वो बता दूं। पहले कि जो आपने बोला कि सीनियर लोग जो हमारे ऊपर स्थापित 25 लोग 20 लोग जिनको हम देख रहे हैं 20-25 साल से, माननीय अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान जी, आमिर खान जी, ये बिल्कुल सच है कि अगर ये 20 लोग एक साथ बोल दें कि जो आरिफ बोल रहा है वो सही है तो हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें अपने आप मिलने लगेगा, अपने आप मिलने लगेगा। ये केवल ऊपर से बोल दें कि जो बोल रहा सही है, खाने में सब कुछ की व्यवस्था कर दो, आप नमक मत दो, सब कुछ की व्यवस्था कर दो, नमक मत दो कोई मतलब नहीं है, नमक सबसे ज्यादा जरूरी है, हम केवल इनसे नमक मांग रहे हैं। आपने बोला हम आपके लिए 20 काम कर रहे हैं, हम आपसे 2 काम मांग रहे हैं, मात्र 2 काम, और पिछले 3 साल से हम 2 काम मांग रहे हैं, 500 रुपए कन्वेंस, मात्र 500 रुपए कन्वेंस,
जो ये कभी 200 बोलते हैं, कभी 300 बोलते हैं, इनकी हम 500 रुपए, हमें लगता है 500 रुपए। और एक कॉमन सेंस की बात है कि अंधेरी का आदमी का एक्सल जाएगा रात में 1 बजे पैकअप होगा तो घर आते उसको 500 रुपए लगेगा ही, जाहिर है ना, अगर बॉम्बे का आदमी इतना जानता है। दूसरा हम मांग रहे हैं जो हमारा, जो हम जिस दिन काम करते हैं जो हमारा पैसा फिक्स होता है, वो हमें अगर 2 दिन का हमारा काम है जिसको हम लोग कैमियो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कैमियो, अगर 3 दिन का है 4th दिन दे दो या फिर उसी सप्ताह के आखिरी में दे दो। बंधुआ मजदूर जो होता है, बंधुआ मजदूर वो भी रात में चाहता है कि 120 रुपये उसको मिल जाए, 40 की दारू पिए, 40 का खाना खाए, सुबह 40 रुपये बचा ले, कोई सोचता है। हम तो ये भी नहीं कर पाते हैं, हम ऐसा मुँह लेके जाते हैं सुबह, कहाँ जा रहे हैं शूटिंग में, काम मिला हुआ है हमें पर मुँह हमारा ऐसा है क्योंकि हमको जेब से लगा के जाना है। और आप सोचिए हम ऐसा ही मुंह लेके वापस आते हैं क्योंकि हमको पैसा नहीं मिलता, ऐसा ही मुंह वापस लेके आते हैं। आपके चैनल द्वारा एक बहुत चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे कम से कम हजारों की संख्या में दोस्त वापस चले गए हैं जिनका बाजार में 40-50 हजार रुपए है पर वो मिलेगा 4 महीने बाद, 4 महीने रुकने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, 4 महीने बाद पैसा आते हैं लेने, बोलते हैं यार मैं तो वहाँ सर्विस करने लगा है, क्यों यार तुम तो यहाँ नहीं, यार 4 महीने के लिए पैसा नहीं था ना यार, रुकने के लिए हमको रूम किराया, रुकने के लिए सब देना होगा। हमारे कई दोस्त यहाँ हैं जो 10-15-20 साल पुराने हैं, जो आपने बोला मेरे से क्वेश्चन किया, जिन्होंने महाभारत किया है, रामायण किया है, टीपू सुल्तान किया है, वो लोग बताते हैं कि प्रॉपर कन्वेंस मिलता था, प्रॉपर कन्वेंस मिलता था, जैसे पैकअप हो उस समय में भी आई थिंक 200 या 300 रुपये मिलता था, आज हम 500 में मांग रहे हैं। उस समय भी यही सिंटा के पदाधिकारी थे, यही मतलब ये अभी 12-13 साल से हैं, ऐसे चेंज होता रहा। मैं चाहता हूं एक बदलाव, बदलाव कभी भी आ सकता है केवल आप यहां से सोचो, अगर आपने एक व्यू बना के रखा हुआ है कि नहीं यार वो तो जो पहले पहले नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा, 50 या 70 साल से ये संस्था है आई थिंक, मुझे लगता है देन बदलाव ये चाहते ही नहीं है, बदलाव ये चाहते ही नहीं है। मैंने आपके चैनल द्वारा आज उनको मैं बताने वाला हूँ एक सिंपल चीज, उनसे बोल रहा हूँ ये जो आग है पिछले 3 साल से लगी हुई है, ये आग अगर जिनको दिखाना चाह रहे हैं हम उनको चैनल में दिखा दिया जाए, चैनल में दिखा दिया जाए कि अरे यार पैसा मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है कि इतनी भयानक आग है, मेरे से लोग इतना नाराज हैं, उनको मालूम नहीं है, ये बोलते हैं बस 300 पास हो गया, हमने भेज दिया 1000 लोगों के पास, 1000 लोगों के पास भेज दिया, उन्होंने ऐसा देखा, अरे बोला समोसा रख इसके ऊपर, उसी के ऊपर समोसा रख के खाएंगे वो, पर अगर वो चीज़ दिखा दिया जाए, अरे यार ये तो 9 दिन से खाना नहीं खा रहा है, भूखा ताल में है, इतने लोग इसके साथ हैं, अरे यार दे ना भाई 500 रुपए यार इनको, यार क्या प्रॉब्लम है यार 500 रुपए, यार ईमानदारी से वो काम करना चाहते ही नहीं है। फैमिली हमारा, हमारा फैमिली है, हम बाहर ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, आप आ जाइए रूम पे हम बात कर लेंगे, अरे यार जो चीज़ सामने हो रही है जो आप फाइनल कर रहे हो 500 रुपए आप फाइनल कर दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों को, वो 500 फाइनल कर देंगे ना फिर भी हम लोगों को नहीं मिलेगा, जाहिर है नहीं मिलेगा, जाहिर है फिल्मों में जो कलाकारों के अभिनय स्वरूप जो चीजें सामने आती है वह अब हकीकत की जिंदगी में देखने को मिल रही है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। और खास करके भारतीय सिनेमा जगत जिसका डंका बसता है विश्व भर में, उस भारतीय सिनेमा जगत के अंदर की सच्चाई क्या है, और खास करके वह तमाम दर्शक जो शिद्दत से इंतजार में लगे रहते हैं कि अब समय होगा और अब टीवी पर यह सीरियल प्रसारित होगा, लेकिन उस टीवी सीरियल में, उस धारावाहिक में काम करने वाले कलाकारों के अंतर्भाव की जो दशा व दिशा है उसे सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, जी आपका नाम? मेरा नाम आचार्य लखन भरद्वाज है, और जो कुछ कहना था खैर काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों ने बोल दिया है, मेरा कहना यही है कि ये चिंता नहीं है, चिंता है, और ये शोषण वर्कर हैं, मतलब सोशल वर्कर हैं थे, अब शोषण वर्कर हो गए हैं, पहले ये सोशल वर्कर थे अब ये शोषण वर्कर हो गए हैं, ये चूसते रहते हैं खाली खटमल की तरह, और इतने दुष्ट हैं, दुष्ट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं क्योंकि बड़े सीनियर हैं, लेकिन सीनियर अपने घर के लिए होंगे, हमारा आज खाना पीना नहीं दे रहे, हमारा किचन नहीं चला रहे हैं वो, ना हमारा कुछ कर रहे हैं वो, जितने दुष्ट हो गए बेहया हो गए हैं कि जरा भी दया नहीं है, और कुछ भी कहो ना तो बोलते तुम गुंडे हो, तुम्हारा कार्ड हम बैन कर देंगे, मेरा कार्ड उसने बैन कर दिया है इन लोगों ने, मैंने वापस इनको काफ़ी झगड़ा किया, काफ़ी इनको मैंने थोड़ा सा ऐसी बातें कही कि सर आप मेरा कार्ड बैन करके क्या करोगे, मैं तो आम आदमी हूँ छोटा सा, और मुझे आप जो छोटा मोटा काम मिल रहा है मुझे करने दो, वो भी नहीं मुझे मिल रहा, अब अपमान अपमान हो रहा है सबके कार्ड, जो भी जाता है आवाज़ उठाने, हाँ जो भी आवाज़ उठाने जाता है उनके खिलाफ उनको बोलते हो तुम गुंडे हो, मीडिया पे भी, और तुम्हारा कार्ड बैन कर दिया जाएगा। मैं लाइव मेंबर हूँ, सबसे पहला शिकार उनका मैं ही हूँ, आचार्य लखन भरद्वाज,
मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इन दुष्टों का संघार भगवान तो करेगा लेकिन हम लोग भी करेंगे, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी इनकी कुर्सी छीने जाएगी और इनकी बेईमानियाँ बाहर आएंगी। जिस तरह केजरीवाल ने किया है दबंगई से अपना ईमानदारी से, इस तरह हमारे यहाँ भी कोई ना कोई अच्छा केजरीवाल निकलेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा और इन दुष्टों का सर्वनाश होगा। जाहिर है केजरीवाल का भाव अब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति शायद होने जा रही है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं जनार्दन मिश्रा जी। सबसे पहले मैं आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सभी शोषित कलाकारों के लिए अनशन पर बैठा और इतनी बड़ी कुर्बानी दी इन्होंने, जिससे थोड़ा बहुत लग रहा है कुछ हो जाएगा। ये सुना तो जा रहा था ये कन्विंस मिलेगा ये मिला, कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ न कुछ तो होगा क्योंकि इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और ये कन्विंस वगैरह पहले तो मेरे ख्याल से 2000 के पहले मिलता था, पेमेंट भी मिलता था शाम को और कन्विंस भी मिलता था, लेकिन ये 2000 पर एक के बाद एक सीरियल की मतलब लेडी है उसका जब सीरियल शुरू हुआ तो बंद कर दिया। एक मैं पुराना एक्टर हूँ, कन्विंस पहले मिलता था, मैं 95 से मुंबई में हूँ। या संजीव सिद्धार्थ जी भी थे, हम लोगों ने देश फिल्म किया था संजय खन्ना जी के, तो पहले हम लोगों को 200 रुपये बजरंग किया था, टीनू वर्मा जी डायरेक्टर थे, तो पहले 200 कन्विंस हम लोगों को मिलता था। जैसे जो मेरा पेमेंट तय होता था वो अलग और कन्विंस अलग, और पर डे मुझे पेमेंट भी पर डे मिल जाता था और कन्विंस भी अलग से। उस समय 200 रुपया यानी 95, 96, 97 की बात बोल रहा हूँ, तो उस समय 200 रुपया का महत्व था। जो आज हम 500 भी मांग रहे हैं तो उस समय 200 का कम था, बहुत कम है। उस समय हम 1.5 रुपए मिनिमम बस के भाड़े हुआ करते थे। हम ये जानना चाहते हैं कि पहले जो पदाधिकारी थे और 2000 के बाद ऐसा क्या हो गया, कौन वो शख्सियत सामने आया जिसके कारण ये तमाम चीजें शुरू हुई है। अभी देखिये सिंटा में आमदनी होने लगी है, हम लोगों का कार्ड का रिन्यूअल करना भी काफी बढ़ गया है, काफी हो गए हैं। अब अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने अपने ही भाइयों बिरादरी, हाँ, एक कार्ड बनाने में कितना पैसा लगता है? अभी 12,000 रुपए। और पहले कितना लगता था? 5,000 रुपए थे। पहले 5,000 लगता था, अब 12,000 लगता है। पहले जो कन्विंस था वो 200 रुपया मिलता था, अभी आपने 500 रुपए की मांग करी है। प्लस हम साल सुरसा की तरह महंगाई लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में लोगों को निगलने के लिए बेकरार है। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का जो दीमक है वह अंदर तक जा घुसा है, जिसे निकालना वक्त की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ जी जी सर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तबका खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री आर्टिस्टों पे डिपेंड है, बाकी लोग भी हैं लेकिन मेन चीज आर्टिस्ट है। आज हमारी इंडस्ट्री से एक आर्टिस्ट खत्म हो रहा है, वो खत्म इसलिए हो रहा है कि वो यहाँ आता है थिएटर करके, फिल्म ट्रेनिंग लेंगे इंस्टीट्यूट से आता है और यहाँ वो केवल जद्दोजहद में उलझा रहता है। हमको इरफान खान खत्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ से नवाजुद्दीन खत्म हो रहे हैं, अमिताभ बच्चन खत्म हो रहे हैं, इसलिए खत्म हो रहे हैं कि वो नए पैदा नहीं हो रहे हैं, वो रोजी रोटी के लिए उलझे हुए हैं। उनको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, उनको टेंशन केवल पैसे का है, पैसे का तनाव इतना ज्यादा है कि उसका बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। मार्केट में उसका पैसा 1,00,000 है, 50,000, लेकिन पैसा मिल ही नहीं रहा है। इससे प्रतिभा खत्म हो रही है सर। इंडस्ट्री हमारी आज वहां थी, वहां से यहाँ आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसके नसीब का सिक्का जब चमका तब वह उभरा, और फर्श से अर्श तक की जो सफर अमिताभ बच्चन हो चाहे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हो वो हो, 125 करोड़ की आबादी वाला यह भारतवर्ष, इसमें ऐसे कलाकार आज भी मौजूद हैं और वह पड़े हैं कि वह हीरा जो शीशे की भांति दिखाई देता है लेकिन उसकी परख सिर्फ जौहरी को होती है। शायद वह कलाकारों को भी कोई सही उनका गॉडफादर नहीं मिल पाया है, यही कारण है कि वह अभी तक फर्श पर पड़े हैं, लेकिन संघर्ष करने से वह पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी बातें दबाई जा रही हैं, और लमन न्यूज वह खुला प्लेटफॉर्म है, वह खुला मंच है, ऐसे लोगों को सादर आमंत्रित करता है कि आकर इस मंच से वह अपनी आवाज बुलंद करें, और हमारा यह प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, बड़े संक्षेप में, हमारे पास समय की काफी कमी है, आप हमें यह बताइए, अभी तक उस व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है, अभी तक उस जिस मोहतरमा का नाम लिया जा रहा था उसका नाम सामने नहीं आ रहा है, कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम विजय कौशल है, विजय कुमार, मैं सिंडा का 4-5 साल पुराना मेंबर हूं। मैं मेन बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो ये आरिफ भाई हैं जिन्होंने अनशन किया हम आर्टिस्टों को लेकर, आर्टिस्टों के अंदर जागृति लाने के लिए, पर इस जागृति को कितने बड़े लेवल पर दबाया जा रहा है, ये हमारी जो सिंडा एसोसिएशन है, हम अपने परिवार से आज हम हमारी समाज की नजरों में हम बागी कहलाए जा रहे हैं,
कोई भी बच्चा अपने परिवार से बागी नहीं बगावत नहीं करना चाहता, पर इसका कारण क्या कि इन लोगों ने बगावत करने पे हमें मजबूर क्यों किया? सबसे जो मेन कारण है, आज तक हमारी ही वोटों से हम ही लोगों ने इनको जिताया, पर आज भी हमारी मांगे नहीं सुन रहे। हमारी सिंटा परिवार से कोई लड़ाई नहीं है और मैं अभी भी विनती करता हूँ कि आप हमारी मांगे मान लीजिए। आप राजा हैं और राजा बनकर ही रहेंगे। हमारी ये मांगे छोटी सी मांगे, 500 रुपये कन्वेंस और टाइमली जो वन डे टू डे एक्टरों को पेमेंट है वो मिल जाए। आज मैं एक सिंटा को सबसे मेन कारण बताता हूँ कि आरिफ भाई की मांगे पूरी हो जानी चाहिए, पर सिंटा चाहकर भी पूरी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर आज हमारी मांगे पूरी हो गई तो सिंटा के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको इस बात का खतरा हो जाएगा कि आज आरिफ की मांगे मान ली गई तो आरिफ आने वाले समय का हीरो बन जाएगा। तो ये मेन मुद्दा है कि वो आज चाहकर भी हमारी मांगे नहीं पूरी होने देना चाहते। और मैं उनसे बार बार विनती करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप राजा हैं और हमारे राजा बनकर रहेंगे। हमने आज तक आपको अपने दिलों में रखा है, अब तक हम जिताते आए, आप हमारी मांग मानिए और हम ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आपको ही राजा बनाना चाहते हैं। थैंक यू। और मीडिया पे बहुत प्रेशर बना रहे हैं सिंटा वाले। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे श्रोताओं का भी होना जरूरी होता है, उसी प्रकार एक राजा तब सफल होता है जब उसकी प्रजा सुखी होती है, और खास करके यह प्रजा दुखों से सराबोर है। राजा को ठिकाना ही नहीं है और राजा खास करके अपनी गद्दी पर बैठकर जिस प्रकार से अकड़ रहा है, उसकी जो अकड़पन है आज नहीं तो कल उसे जरूर निकलेगी। और एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, किसी को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई बिना एडिट किए अपने दर्शकों तक पहुंचाना और साथ ही उन तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना जो अब तक उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए हैं। बड़े संक्षेप में आरिफ साहब जानना चाहेंगे आपसे, आपका अनशन का सफर जो भी रहा, अब आगे का स्टैंड क्या है, क्योंकि कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है और बात की जाए तो अंधेरी एक प्रकार से गढ़ और किला माना जाता रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। और जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यह सड़क एक केंद्र बिंदु है जहां पर हजारों की तादाद में अपनी आभा लिए, अपना हुनर लिए तमाम कलाकार यहां पर जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी तक तो हमने नैतिकता के दायरे में लड़ाई लड़ी है, खत लिखे हैं, मीटिंग की है और अनशन भी किया, जो कि सबसे अच्छा तरीका विरोध का माना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके फलस्वरूप वो हमें पर्सनली अब टारगेट करने लगे हैं, हमारी इमेज ख़राब करने लगे हैं, हमें बदनाम करने लगे हैं। तो अब लड़ाई तो जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लीगली एक्शन लेंगे, लीगली जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ तक हम क्षमतावान हैं, तन मन धन से उसमें जाएंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती यह लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। और इस लड़ाई में लमन न्यूज कंधे से कंधा मिलाकर वो तमाम दूरियां तय करेगा जो एक लंबी खाई में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल, हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है, इस तरह की समस्याएं यदि आपके सामने भी है, भ्रष्टाचार का ताना बुना कहीं आपके सामने भी बुना जा रहा हो, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर हम प्रसारित करेंगे। आज के सफर में बस इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।